यार एक चीज अच्छी है फेमस होने से, खाने पीने को बहुत मिलता है। कोई लगता है हमें जरूरत है? नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ। एक्चुअली तू लेगा, हाँ मैट सफारी तू लेगा, तो तू उसको साथ में सुपरवाइज कर, जो हेल्प चाहिए उसकी हेल्प कर, आगे चल के दो वीडियोस तूने लेने और तेरे साथ में वो लोग रहेंगे। तो ये दोनों वीडियो लेने प्लान करो, कैसे करना है, गणेश से कोऑर्डिनेट करो। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सोच क्या रहा है इतना उदास क्यों है? मैं चाहता हूँ नोएडा भी फ्री रहे, सिविक तो करेगा। हाँ, सिविक करता रहे, साथ में इसको हेल्प करेगा, साथ में उनका शूटिंग इम्प्रूव करना, तो ये थोड़ा थोड़ा फ्री रहेगा ना, तो सब कामों में थोड़ा हेल्प करा सके। करना तुझे ही है, उसको जहाँ पे भी हेल्प लगती है, गाइडेंस लगती है, प्लीज उसकी हेल्प कर। 56 क्यूटी पाए। देखो हॉवरबोर्ड वाला मिल गया। हमें हॉवरबोर्ड लेना ही नहीं। आपके गाँव से है? उड़ीसा? नहीं हरियाणा से। हरियाणा मेरा गांव कहाँ से हो गया भाई? सिर्फ हॉवरबोर्ड ही बेचते हैं, उनके पास वारंटी बहुत है, और ऐसे स्पेयर पार्ट्स अगर कुछ टूट फूट जाता है, समझो बैटरी का, तो स्पेयर पार्ट का क्या होगा? मैं तोड़ लूंगा स्पेयर पार्ट टूट गया तो। अस्थि पंजर टूटे फिर गिर लूंगा, कोई नहीं नया बना लेंगे। हर्षल चला रहा हो और रैंडमली हम उसको कंट्रोल करना शुरू करें, और क्योंकि वो चल रहा है हर्षल उसमें से उतर नहीं पा रहा। हर्षल ऐसे जा रहा है, ए सुनो ना। 13,000, 20,000, 25,000, 30,000। 13,000 में तो लकड़ी का ही मिलेगा। और 40,000, तो 40,000 वाला जो है ना उसका वो ऑफ रोड वाला है। ऑफ रोड एक्सपल्स ड्रिफ्टिंग करेगा उस पे जाके, बड़ा चक्के है, उसको टायर है, उसकी 30 km/h की स्पीड है। तू 10 पे ठोक देता है लोगों को, 30 पे क्या ही करेगा? नहीं मेरे को स्पीड की जरूरत नहीं है, मेरे को कंट्रोल प्रिसाइज चाहिए। एक टेम्पो ने ढोकाई क्या? अरे यार तो गया पूरा। हमारे एक कस्टमर है टोयोटा ग्लांजा, जो अभी हमने पेंट की थी फुल कार, तो अभी उनके गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, टेम्पो ने शायद ढोका है आगे से, तो कस्टमर बोल रहे हैं मैं टो करके गाड़ी लेके आ रहा हूँ। बाकी आपने तो देखा ही है, आपने वर्कशॉप में गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, यार एक्सीडेंटल काम रहता है, तो पार्ट्स ऑर्डर करो, पार्ट्स आने के बाद रिपेयरिंग, उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो अभी प्रोजेक्ट वो नहीं ले सकते, वही उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ ओवरकोट की थी फुल गाड़ी, तो आज सुबह वो फिर गाड़ी टो करके सीधे लेके आ रहे थे, तो उनको फ़ोन पे मैंने बोला वही कि सर गाड़ी सीधा नहीं ले सकते, फुल गाड़ी पेंटिंग हो, पैनल हो, उसमें टोयोटा के पार्ट जल्दी मिलते नहीं है, बोनेट चेंज करना है, फेंडर चेंज करना है, अंदर का फ्रेम पे डैमेज है। हाँ मैं उनको, हमने तो बोला, वो बोल रहे हैं मैंने आपके पास काम किया, परीक्षित सर मेरे को जानते हैं, मैं वहाँ पे आके उनसे बात करता हूँ, आप नहीं। हाँ हम तो अभी क्लियर बोल रहे हैं, बाई चांस वो नहीं आए तो, मतलब आ भी गए यहाँ पे, तो वही आपको इन्फॉर्म करना चाहिए इसलिए। ठीक है हाँ। कर ले बात। राजस्थान से नई वर्टस रेड कलर की लेक्सस रेडियंट रेड मारना है कैंडी, गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। हमने अभी एक ग्लांजा पेंट की थी कुछ टाइम पहले, वो कस्टमर का एक्सीडेंट हुआ है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि गाड़ी तो बलेनो है, बट वो टोयोटा की बैजिंग के साथ आती है, उसके पार्ट्स वगैरह टोयोटा से उठाने पड़ेंगे, और टोयोटा में पार्ट्स मिलेंगे नहीं। हमारे पास सप्लायर है बट बॉडी पैनल्स के लिए मिल जाता है। अभी एप्रन्स वगैरह अगर उसके डैमेज हुए तो दिक्कत वाली चीज़ है, गणेश बोल रहा है काफ़ी डैमेज है, देखता हूँ एक बार। तो हम बलेनो के पार्ट्स नहीं लगा सकते? बाई चांस अगर इधर उधर कुछ भी हुआ ऑफ तो दिक्कत हो जाएगी। ग्रिल वगैरह तो अलग है, ग्रिल बम्पर ग्लांजा और बलेनो का अलग है, अभी कहाँ डैमेज है वो देखना पड़ेगा। ये आगे का इधर का पूरा गया है ना डैमेज हुआ है, पीछे से भी है डैमेज, ये फेंडर टच कर गया है इधर। हाँ, हाँ, वही यहाँ पे इंपैक्ट हुआ है, वो अंदर गया उधर से, सस्पेंशन पूरा इसको ये कर दिया, मैकेनिकल काम भी है पूरा टच कर दिया, अंदर ये टाइम मेंबर वगैरह, ये फ्रेम बेंड कर दिया है, मोस्ट प्रॉब्ली जिनसे टूकी है उनसे ले रहे शायद। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
ये लेके क्यों आ गए? एस्टिमेट टोयोटा में शायद गए थे, टोयोटा में दिखली उतना गाड़ी। एस्टिमेट नहीं निकाल सकते इसमें, तो है टोयोटा में दिखली उतना गाड़ी। एक दो चीजें हैं, एक तो हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है कि हम गाड़ी रख सके और पार्ट्स के लिए वेट करें, वही। और दूसरा क्योंकि ये बम्पर और ये ग्रिल वगैरह सारा टोयोटा का है तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी है और मैकेनिकल भी उसमें काम, सस्पेंशन का बोल, काम है, बोल, जो भी रहेगा एस्टिमेट टोयोटा में ही डालेंगे अभी, और कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कोई बहुत जोर से मारा नहीं होगा, इसमें जानी नहीं है बिल्कुल, 40-50 की स्पीड में हुआ एक्सीडेंट है ये। टेम्पो पीछे आके लगा है और कुछ ऐसे कुछ, ये खड़ी गाड़ी पे टेम्पो आके लगा है ऐसे कुछ, ये उसका है भाई, मत खरीदो ये सब गाड़ियां यार। लगा कैसे ये? ये कैसे हुआ? उतरता हाँ, अब पीछे आ गया क्या? उधर से गाड़ी टेम्पो डायरेक्ट पीछे आया और उसको ठोका, रुकी नहीं गाड़ी थी, ये लोग गाड़ी लॉक करके बाहर गए थे। टेम्पो का ब्रेक फेल हो, मैं चल रहा था, मेरी गाड़ी। आप चला रहे थे टेम्पो? हाँ। तो कितनी स्पीड में आया ये? ये 20 की स्पीड में हुआ एक्सीडेंट है, 20-25 ज्यादा ज्यादा लोडेड गाड़ी था तो 20-25 ज्यादा 30 रहेगा समझो। नहीं अभी देखो इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि ये टोयोटा के पार्ट्स बाहर मिलते नहीं है, इसमें काफी सारे लगने वाले हैं, तो ये काम होगा तो वहीं पर होगा, ये प्रॉब्लम है। उनको बोल दे गणेश पार्ट्स नहीं मिलेंगे और गाड़ी इतने टाइम खड़ी नहीं रख सकते कि हम ढूंढ सके, नहीं भी होने से 25-30 दिन निकल जाएगा। उनके पास फटाफट रेडीली रहेगा, जो होगा इनके साथ सेटल कर लें क्या है क्या नहीं और वहाँ गाड़ी बनवा लें। वेलकम टू मारुति सुजुकी, सॉरी मारुति टोयोटा। वायोला पार्सिफे का बेस कोड बना दियो 10 ml, ये गाड़ी मारने की अर्ली। हाँ दुन्ना सुनना, ये पेंट करने की है रे गाड़ी ये, तो इस पे अपना रैपिड वाला जो कलर था ना वो मारना है इसमें, इसमें बस ये अभी क्या है, ये अंदर का जो सेक्शन है, ये जो फोटो लेना पड़ेगा तेरे को, जब तू पर्पल मार देगा पूरा बेस कोड तो यहाँ पे लाल से तेरे को ब्रश से करना पड़ेगा, लाल और काला लगा के क्लियर मारते हैं, फिर क्लियर मार देने का, ठीक है ले ले। काय झालं पंकज भाऊ, ह्याचे ना होल मॅच होत नाही पूर्ण, काय ऑप्शन काय तर आता कुठले होल म्हणताय, ह्याचे का खालचे? खालचे होलला काय नाही करू शकत आपण, वरचे होल मॅच नाही होत पूर्ण, एक पण मॅच होत नाही, चार होते रे हा आणि दोन होत नाही। अपना एक काम कर लो, ब्लैक वाला सिलेंट ले लो ग्लास वाले से, उससे सील कर दो, उसमें पानी भी नहीं जाएगा और सील भी हो जाएगा, और कभी निकालना पड़ा तो कट करके निकाल सकते हैं। वीडियो देख के बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग टायर्स निकालते क्यों नहीं है, अभी ये बलेनो हम लोगों ने पेंट की थी है, उसके व्हील्स है, गाड़ी पूरी रेडी हो चुकी थी, फिर अलाइनमेंट बैलेंसिंग को गई और यहाँ बैलेंसिंग में जो है ये एरिया उन्होंने स्क्रैच कर दिया, तो अब गाड़ी रेडी खड़ी है, मैंने व्हील वापस निकाले हैं, वापस काम कर रहा हूँ। ये रिस्क तो है ही है, बट ये हम इसलिए नहीं खोलते हैं क्योंकि अगर बाद में टायर फिटिंग करना हो तो अगेन आउटसोर्स करना पड़ता है, टायर शॉप में जाना पड़ता है, और कभी कभी लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, जैसे इस केस में हुआ, कभी कभी ये सब चीज़ें फिर डैमेज हो जाती हैं। तो अभी ये केस में क्या होता है, यहाँ पर साइड में चिपिंग हो सकती है, तो वो ना हो, वो प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम टायर को डिफ्लेट कर लेते हैं, यहाँ पर गैप्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर मास्किंग करके उसको कलर मार देते हैं, पर ये छोटे मोटे नुकसान चलते रहते हैं वर्कशॉप में, काम करके भी वापस काम करने पड़ते हैं। आज मारुति फाइनली रेडी हो गई, जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा था फ्यूल टैंक का, जो पिचक गया था, मैं बोलने वाला था चिपक गया था
बट पिचक गया था, वो नया फ्यूल टैंक डाल दिया, साथ ही साथ उसका फ्यूल जो रीडिंग लेता है गेज वो भी आई थिंक खराब हो गया था, तो वो भी हमने नया डाल दिया है। अभी आज रात को सौरभ जब गाड़ी लेके जाएगा तो एक बार फ्यूल भर के चेक करेगा कि फ्यूल गेज चल रहा है, अगर वो चल रहा है तो फिर ऑल डन है, फिर कुछ टाइम में हम इस गाड़ी को पेंटिंग के लिए लेंगे। पानी मार लेते हैं उसको, धूल मिट्टी हो गई है पूरी, ऑन कर दे। बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई यार, बंद कर दे हर्षल। आज का दिन होता है यहीं समाप्त, मिलते हैं कल वापस। क्या है क्या है, देखो बस तू गाड़ियां निकालता रहे, क्या है इतना एकदम पैक हो जाता है ना, टाइम बहुत लग जाता है अंदर बाहर करने में, बस तेरे हिसाब से कोई छूटे ना, फोकस करके निकालता रहे। रैपिड बिक गई है, कल ही डिलीवरी हुई है। जाओ 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 जाओ, अब रुक जाओ, पीछे गाड़ी आ रही थी इसके लिए मैंने बोला। मेरे साथ भी हुआ है ये, स्लोप पे था, एक टेम्पो वाला पीछे हो गया था तो मेरी गाड़ी में लाके घुस गया, मेरा ग्रिल टूटा, लोगो टूटा, बस खत्म। अभी ये गाड़ी में जान ही नहीं है ना ज्यादा। So he is his biggest fan. He watches all his videos and he's come all the way from Bangalore just to give him a fist bump. है ना? तो blue XUV 500 को क्या हुआ बुची? टूट गई है। Nadeem Shah ना? Sir thank you so much. I'm really glad आपको हमारा काम अच्छा लगा और आपने और काम ही नहीं दिया पर हमारे लिए ये भी लेकर आए। This is amazing. पहली बार को जैसा try किया है। मारुति का ये आ गया गेज, तो खत्म करना, लगा दिया ना, फिटिंग कर रहे हैं, वाह कर देंगे। अरे मेरे को कौन बताएगा? अब बात कर ले यार। He literally showed me everything. यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ये वॉशिंग है। डेंटिंग पेंटिंग कैसे होता बुच्ची? आपकी कार भी ठीक हो गई ना, दोनों दरवाजे गायब है XUV 500 के। सारे बच्चे मतलब डिज्नीलैंड और कार्टून देखते हैं, ये आपके वीडियोस देखता है। फिस्ट बम्प फिस्ट बम्प।